हाल ही में लोकसभा में सरकार द्वारा 3 कानून पारित किए गए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में बहस शुरू हो गई। लेकिन एक सवाल जो ये कि आखिर ये 3 नए कानून है कौन से और इनका भारतीय दंड संहिता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या ये पुराने कानून के समान है या इनमें कोई अंतर है, आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है। बता दें कि ये तीनों ही कानून ब्रिटिश काल के पुराने 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नए रूप है। इनमें कई प्रकार के परिवर्तन कर दिए गए हैं और इन्हें 3 नए नाम भी दे दिए गए हैं। आइए अब आपको एक एक करके सभी कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 का स्थान लेगी। ये देश में क्रिमिनल ऑफेंस पर प्रमुख लॉ है। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 511 धाराओं की बजाय अब 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइम को भी बढ़ा दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की जगह लेगी। सीआरपीसी अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल के लिए है। इसके अंतर्गत सीआरपीसी में 531 धाराएं होंगी, जबकि पहले केवल 484 धाराएं थी। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। अब बात भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की। तो आपको बता दें कि ये विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। ये अधिनियम इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर आधारित है। ये सभी नागरिक और आपराधिक कार्यों पर लागू होता है। इन कानूनों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहले की 167 धाराओं के बजाय अब 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि लोकसभा में वॉइस वोट से विधेयक को पारित किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलना है। नया कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा। वर्तमान कानूनों में केवल दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है, लेकिन नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। इन प्रस्तावित कानूनों में राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया और राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक नई धारा पेश की। इनमें पहली बार आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग के लिए भी मौत की सजा निर्धारित की गई है। नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है। ट्रायल अदालतों को एफआईआर दर्ज होने के 3 साल में हर हाल में सजा सुनानी होगी। अपराध कर विदेश भाग जाने वाले या कोर्ट में पेश न होने वालों के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी, सजा भी सुनाई जा सकेगी। यही नहीं, शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप के दायरे में से बाहर कर दिया गया है। उसे अलग से अपराध के तौर पर परिभाषित करते हुए धारा 69 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। किसी के शरीर पर होने वाले अपराध को 100 से लेकर 144 तक परिभाषित किया गया है। मर्डर की परिभाषा 101 में और मर्डर में सजा धारा 103 के तहत रखा गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने को 108 में और हत्या का प्रयास को धारा 109 में रखा गया है। धारा 111 के तहत संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 113 में टेरर एक्ट को रखा गया है। ये दोनों ही अपराध पहले आईपीसी में नहीं थे, इसके लिए अलग से एक स्पेशल एक्ट है। यानी सीधी सी बात ये है कि नए कानून पुराने कानूनों से बहुत बेहतर है और ये कानून जनता के हित के लिए बनाए गए हैं। खैर, आपको इन सभी कानूनों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।